क्या आपको पता है कि पपीते के दाने भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है? तो हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि पपीते के फायदे क्या क्या हैं। पपीता उन फलों में से है जो कि पेट को हेल्थी रखने के नहीं बल्कि स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। हमारी स्किन को ग्लो करता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। पपीता हमारे स्किन को हेल्थी रखता है, बॉडी को हेल्थी रखता है, स्किन को ग्लो करता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही एक अच्छा स्रोत है। दूसरे फल उपलब्ध होने जिस तरह से कि हमें एक सीजन वाइज मिलते हैं, लेकिन पपाया एक ऐसा होता है जो हमें हर सीजन में मिलता है। कहीं भी ये उपलब्ध होता है, आपको किसी भी शहर में, गांव में, हर जगह मिल जाता है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि इसे खाना कैसे है। तो जनरली आपको पता ही है कि बस पपाया को काटना है और खाना है, और ज़्यादातर हम इसके बीज जो हैं वो फेंक देते हैं। लेकिन अगर हम इसे फेंके नहीं है, जैसे बीज हमने निकाल के रख लिए हैं, अब इन्हें हम चाहें तो थोड़ा ड्राई कर लें, सुखा लें, वॉश कर लें, या ऐसे भी इसे ड्राई कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। इसके फ़ायदे जान करके आप शायद आपको नहीं पता होगा कि ज़्यादातर हम फेंक देते हैं ना पपाया, इसके जो बीज है ना इसे हम अपनी जूस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं अगर पपाया अगर हम खाते हैं तो ये जो हमारी सर्दी जुकाम खांसी होती है, ये जो संक्रमण होते हैं हमारे गले में, ये इन्हें भी फायदा पहुंचाता है, उन संक्रमणों को ये मारता है। कहते हैं कि पपीते के बीज में फाइबर मौजूद होता है जो कि आपकी पाचन शक्ति को ठीक रखने के अलावा मोटापा रोकने में भी ये मदद करता है। साथ ही फाइबर हाई ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है, और इसके अलावा ये दिल को भी हेल्थी रखता है। इस बीज में मतलब कई सारे फायदे होते हैं। कुछ अध्ययन में ये भी माना गया कि पपीते के बीज में पोटेशियम इंजीमा होते हैं जो कि आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया को मारते हैं, इससे पेस्ट हमारा जो है वो स्वस्थ होता है। ये भी कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान पपीते के बीज का सेवन मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द को भी कम करता है, तो ये उसमें भी हमें फ़ायदा पहुंचाता है। इसमें काफ़ी मात्रा में फैटी एसिड होते हैं जो कि विशेष रूप से ओलेट एसिड 3 सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि ख़राब कोलेस्ट्रॉल को हमारे अच्छा करता है, कंट्रोल करता है। तो ये दाना जिसे हम फेंक देते हैं, अब इसे खाने का एक है कि कुछ दाने होते हैं जो कड़वे होते हैं तो हम खाते नहीं, इसे अवॉइड करते हैं, फेंक देते हैं। बट अगर हम इन्हें अच्छे से ड्राई करके और इसका पाउडर बना के रख लें, और पाउडर में उसमें हम जैसे शक्कर है, थोड़ी शहद है, तो इस तरह से जूस बना करके हम इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो पपाया को फेंकने की बजाय इसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो आप अपनी डॉक्टर से सलाह लें।